दुनिया का सबसे छोटा शहर क्रोशिया में वाक़ है, जहाँ आबादी मुश्किल से 27 से 30 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ 2 सड़कें हैं और घरों की 3 कतारें मौजूद हैं। क्रोशिया के इदारा हुकूमत ज़ग्रब से 2.5 घंटे की मसाफत पर यह शहर वाक़ है, जहाँ 2011 की मरदमशुमारी के तहत 20 से 30 अफराद रहते हैं, लेकिन कभी ख्याल है कि कुल 27 अफराद यहाँ के मुकीन हैं। ये सिर्फ 3 साफ सुथरी सड़कों पर मुश्तमिल है और 2 सड़कों पर कुरून वस्ती के तर्ज पर कदीम मकानात बने हुए हैं। इसकी तारीख इसरार के पर्दों में पोशीदा है, क्योंकि इसकी मुकम्मल मालूमात दस्तियाब नहीं। इतना ज़रूर मालूम है कि 1102 की एक दस्तावेज में इसका जिक्र मिलता है, जिसे शोलम का नाम दिया गया था। फिर 1552 में यहाँ एक मीनार बनाया गया, जहाँ एक बड़ी गिनती लगाई गई, जिसका मकसद इलाके की हिफाजत करना और ख़तरे की सूरत में खबरदार करना था। यहाँ की 3 सड़कों की मजमूई लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। ताहम कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे छोटा गांव भी कहते हैं, लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर यहाँ सियाहों का तांता बंदा रहता है, जो मकामी आबादी की आमदनी में इजाफा भी कर रहा है। ताहम ये अच्छा ज़रई इलाका भी है। यहाँ का कदीम तर्ज तमीर सियाहों को अपने सायर में जकड़ लेता है। इस गांव की अतराफ में ठोस पत्थरों की फसील बनाई गई है, जो पहले डाकुओं और हमलावरों के खिलाफ बनाई गई थी। ताहम एक तवील अरसे से यहाँ किसी किस्म की कोई नई तमीर नहीं की गई। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।